हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में ग्रुप डी की परीक्षा पास करने के अचूक तरीके। वो कितने सारे तरीके हैं जिसको कि मैं आपको बताऊंगा, वो टोटल तरीके आपको 5। आपको ग्रुप डी का नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको सब कुछ आसानी से आ जाएगी समझ में, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से बात का ध्यान रखना है, कौन कौन से निगेटिविटी चीज़ों से बच के रहना है और ताकि आप एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सके। यहाँ तक कि आपके परीक्षा हॉल में आपका जो बिहेवियर है, आपकी कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल की होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर ना आए एक्स्ट्रा, उसके लिए क्या सब चीज़ें करनी चाहिए, एग्ज़ाम में कितने प्रश्नों को बनाना चाहिए, कौन से प्रश्नों को बनाना चाहिए, कौन से प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देने जा रहे ग्रुप डी एग्ज़ाम को तब भी आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। वैसे आपने अपने आसपास स्टूडेंट को देखा होगा, वो काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए भी हैं लेकिन उनका नहीं निकला है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम टिप्स में सबसे पहला जो चीज़ें हैं वो है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, मेहनत और समय बचाने पर ध्यान दे। आपको हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और समय बचाने पे हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए अभी आप कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है और हम आपको बता रहे हैं इस टॉपिक के अंदर में आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको बस एक मिनट का समय दीजिए, आपको हम समझाते हैं ग्रुप डी का सिलेबस और इसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। तो सबसे पहले जान लीजिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो टोटल आएंगे 100। इस 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास होंगे 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का समय। ये जो 100 क्वेश्चन है वो आपका मैथ से आ रहा है 25 और साइंस से क्वेश्चन आ रही है 25, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आ रही है वो आ रही है 30 और इसके बाद करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन आ रही है वो आ रही है 10 और जनरल GS से जो क्वेश्चन आ रही है वो आ रही है 10। तो अब आप यहाँ पे समझिए एक चीज़, मैथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा है साइंस, इसमें 25 क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कि हमको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस 25 क्वेश्चन में से आपका 14 से 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपका केवल सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से होगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग में आपको 30 चैप्टर पढ़ना है और ये 30 नंबर कवर करता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट रीजनिंग आपका 30 नंबर कवर करता है। यूँ कहे तो आपका मैथ और रीजनिंग ये दोनों मिला के आपका 55 नंबर कवर करता है और 55 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उस पर फिर देखिए आपका करंट अफेयर्स, आप कम से कम पिछला एक साल का आपको करंट अफेयर्स रेडी रखना है और आप उस करंट अफेयर्स को पढ़ करके जान करके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या चाहिए यहाँ पे देखिए आपका है GS। GS में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, ओनली 10 क्वेश्चन, और स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। देखिए GS में आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस आते हैं, बेसिक GK आते हैं, गेम GK आते हैं, कंप्यूटर साइंस आता है, इसके अलावा 2-4 सब्जेक्ट और भी इसमें ले लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं GS में। जबकि हमने देखा है यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े चैनल पे इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर बनाया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ को पढ़िए ग्रुप डी की तैयारी के लिए, NTPC की तैयारी के लिए। लेकिन भाई आप ज़रा सोचिए कि आपका मैथ में से 25 क्वेश्चन आ रही है, रीजनिंग में से आ रहे 30 क्वेश्चन, साइंस में से आ रहे 25 क्वेश्चन, ये तीनों को मिला कर दिया जाए तो आपका 80 नंबर कवर होता है, यानी कि 80 नंबर आपका कवर होता है, 80 नंबर, 180 नंबर, और मैक्सिमम चीज़ तो यही चीज़ है। तो आप समझे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको पढ़ना चाहिए मैथ, आपको पढ़ना चाहिए रीजनिंग, आपको पढ़ना चाहिए साइंस, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स और लास्ट में पढ़ना चाहिए GS या फिर GS छोड़ के ही चलिए क्योंकि GS का सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसको 2 या 3 महीने के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता। वैसे इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं ईजी क्वेश्चन, आपको 50% क्वेश्चन जो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप ज़रा सोचिए आप इस GS को पढ़ने में जो आप टाइम बर्बाद करेंगे वो तो आप समय आप अगर मैथ और रीजनिंग में लगाइएगा तो आपका समय मतलब कि बच जाएगा और आपका नंबर भी इंक्रीज होंगे। तो चलिए आपको आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप भी आज से तैयारी करने का नया तरीका आप लोग बना दीजिएगा कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है हम उसको पहले कवर करें, उसके बाद उसके कम नंबर वाले को, ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को, अब जो अगला जो टॉपिक है वो है कितना पढ़े और कैसे पढ़े।
24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में आपके 7 से लेकर के 8 घंटे का समय जो है आपको सोने में बिताना है। इसके अलावा 3 से 4 घंटा आपका बर्बाद होता हुआ कोचिंग क्लासेज में या फिर GD ग्रुप में या फिर इधर उधर, तो आप 24 घंटा में से 12 घंटा आप निकाल दीजिए और आप इस 24 घंटा में से आप खुद के पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी के रूप में आप 12 घंटा रखिए। और आप इस 12 घंटा में क्या सब चीज़ पढ़ाई करेंगे, अभी से जस्ट पिछला जो टॉपिक कवर किए हैं, कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। आपको देखिए इसमें पढ़ना चाहिए आपको मैथ्स, ठीक है, आपको इसमें पढ़ना चाहिए आपको मैथ्स, उसका फिर देखिए रीजनिंग है, साइंस है, GS है, करंट अफेयर्स है, तो इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। मैथ्स एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, आप हमेशा MATH मैथ क्यों लिखते हैं, तो वो हमारी आदत है बचपन से, तो मिस्टेक हो जाती है, इस सब चीज़ों को आप इग्नोर करके चलिए। तो आपका मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैथ में 31 चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर है मैथ में वो है 31, तो हमको मैथ 31 चैप्टर कवर करना चाहिए। और किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप ऐसा पढ़ाई करें, आप अपनी तैयारी को ऐसा करें, आप कोई भी चैप्टर को इस तरह से पढ़ें कि उस चैप्टर में से दोबारा कोई गलती ना होने पाए, तभी तो आपका कवर होगा। आप मैथ का एक चैप्टर डेली पढ़ें, आज से शुरू करें, तो आपका 31 डेज के अंदर पूरा मैथ कवर हो जाएगी। रीजनिंग में भी टोटल जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है 30, तो इस 30 चैप्टर को आप 10 दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के चैप्टर बहुत है, बहुत ज़्यादा आसान। इन दोनों चीज़ों को आप कवर कर ले तो आपका 55 नंबर बिल्कुल सोचिए कि फिक्स है, उसमें से 45-50 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। इसका फिर देखिए आपका साइंस है, साइंस में देखिए 22 चैप्टर आपका फिजिक्स का है, 15 चैप्टर आपका केमिस्ट्री का और 14 चैप्टर आपका बायोलॉजी का है, लगभग में कितना चैप्टर हो गया 55 चैप्टर, और एक दिन में 3 से 4 चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो आप एक मतलब कि 20 दिन से भी कम समय में आप साइंस को कवर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात कि कितना पढ़े और कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़ना है कि आप एक टॉपिक को शुरू करें, उसको कम से कम समय में रखें और पूरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद दूसरा टॉपिक पर ध्यान दें, और ज़्यादा टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है आप पीछे का रिवाइज करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़े, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं पढ़े। और इतने सारे किताबों को मत पढ़े, कोई भी एक किताब लीजिए, मैंने लिखा मास्टर नोट्स, और आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मास्टर नोट्स क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, कितना पढ़े कैसे पढ़े, तो बस आपको 12 घंटे का समय में आपको पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि नौकरी आपको बस एक बार आपको चांस मिल रहा है, दोबारा ऐसा चांस आपको नहीं मिलेगा। दोबारा अगर आपके चांस ऐसा मिलेगा तो उसमें कॉम्पिटिशन इससे भी ज़्यादा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, और आज आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो इसलिए आज से पढ़ना शुरू करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर बात कर लें। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। देखा कि परीक्षा से पहले कितनी तैयारी होनी चाहिए, मतलब कि परीक्षा तो होती है 100 मार्क्स की, आपकी तैयारी कितना होना चाहिए। आप मतलब क्या कि जरूरी थोड़े ना कि सभी स्टूडेंट को 100% तैयारी है, 100% में से आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए। रिजल्ट जो है आप मान के चलिए हम 80% लाएंगे, तो 80% जो है ये आपका कट ऑफ मार्क है, 80 नंबर हमको चाहिए, 100 में से हमको 80 नंबर चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी 90% रखे, 85%, वैसे कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है, वो पूरा लगन लगा के तैयारी करता है, फिर भी वो 100% तक नहीं पहुंच पाता है, 70, 75, 65, 60 रह जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी तैयारी है 75 मार्क्स की और आप हमारे तरीके को अगर आप नहीं अपनाइएगा, आप मान लीजिए 100 में से 75 नंबर आप क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन आपको 75 नंबर क्वेश्चन मतलब कि नंबर नहीं आ पाएंगे, आपको 75 प्लस भी नंबर नहीं आ पाएंगे, आपका नंबर जो 75 से घट जाएंगे, तो ऐसे में आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आप 2 या 3 टिप्स का आप हमारा ध्यान रखें तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज़ को तो जो है वो है आप अपने माइंड के ऊपर प्रेशर कभी आने ही नहीं दें एग्ज़ाम का। आप ऐसा सोच के चले कि हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आए हैं, हम मैथ रीजनिंग साइंस GS जितना हमारे पास नॉलेज है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस हम यहाँ पे करने आए हैं, और आप अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपका आएगा। आपको मैथ, आप ग्रुप डी के लिए मैथ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ मैथ पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको ग्रुप डी पेपर नहीं पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है। आपको परफॉर्मेंस ग्रुप डी के पेपर में नहीं करना, आपको मैथ के पेपर में पढ़ना है। जब आप सब्जेक्ट वाइज किसी भी चीज़ को सोचेंगे ना, तो एग्ज़ाम का प्रेशर आपको कम हो जाएगी। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं या फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले, आपके बहुत सारे लोग आपके माइंड में बहुत सारी निगेटिव बातें भरते हैं, यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे सेटिंग चल रहे हैं या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, तुम्हारी आज से तुमने तैयारी शुरू किया 2-4 महीने में थोड़ी ना आपका रिजल्ट आ पाएगा, तो इन सब तमाम तरह की चीज़ें होते हैं, या फिर बिना पैसा का नहीं हो पाता है।
तो ये सब चीज़ से आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होता है और आपकी जो 75% जो तैयारी है वो कम हो जाती है। लेकिन आप हमारे इस चैनल को फॉलो करिएगा, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तो आपको इस तरह के मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं ना हमारे आसपास के, वो सब चीज़ आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। और आप अपने 75 नंबर की तैयारी में आप 85 नंबर या फिर 90 नंबर आप आराम से ला सकते हैं और ग्रुप डी के रिजल्ट को बिल्कुल टॉपर की तरह पास कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बात बताते हैं, हम किसी भी एग्जाम को जाते थे मतलब उस एग्जाम को देने के लिए, तो मेरे मन में हमेशा बस यही चीज़ चलती कि हमें लोको पायलट एग्जाम को नहीं पास करना है, हम जितना चीज़ जानते हैं उसमें हमको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो परीक्षा से पहले कितनी तैयारी होनी चाहिए, तो आपकी तैयारी मैक्सिमम होनी ही चाहिए। लेकिन आपकी अगर 75% तैयारी, तो आप अपने आप को कुछ इस तरह से मेंटेन रखिए कि आपके जो नंबर जो 75 तैयारी है इससे ज़्यादा नंबर आए, कम नहीं आए नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कहता है। परीक्षा में कितना प्रश्न बनाए और कितना प्रश्न को छोड़ दे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार आपको पहले ही माइंड में भर दिया कि यार 100 में 100 कभी मत बनाना, क्योंकि आपका नेगेटिव नंबर जाएगा तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा घट जाएगा। या फिर कोई बोलता है कि यार 100 में 80 नंबर अटेम्प्ट लेना, कोई बोलता है 90 नंबर अटेम्प्ट लेना, तो ये सब कोई बात नहीं, ये सब मिथक है। वो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट किया है तो आपका 75 to 85 आप ले सकते हैं। 75 to 85 ये नॉर्मली अटेम्प्ट लेता है कोई भी स्टूडेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी देता है तो उसमें 90% अटेम्प्ट होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे हम आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट को कोई टिप्स दिए हैं कि हम बोलते हैं उस स्टूडेंट को पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दो, यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन को आप बना दो। इसके लिए एक तरीका है कि 100 क्वेश्चन एंसरिंग जो टेक्निक है, अगर मान लीजिए आपका 90% आप 90 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको जितना नंबर आएगा, मान लीजिए 90 में हम बनाते हैं, हमको काट पीट के हमको 75 आ रहा है, अगर आप हमारे तरीके को अपनाइएगा तो आप 90 नहीं बना करके आप 100 में 100 जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो भी आप बना दिए, कुछ से कुछ आंसर रंग दीजिएगा, हमारे तरीके से आंसर रंगिएगा, तो आपको 75 नंबर से तो कम से कम 4 नंबर आपको ज़्यादा ही आएंगे, 3 से 4 नंबर आपको ज़्यादा आएंगे। तो वो चीज़ हम जैसे कि 75 नंबर आया तो आपको 79 नंबर लाने में क्या दिख, हमको 75 नंबर मिल रही थी, लेकिन आपको कभी भी 75 से नंबर कम नहीं होगा, 75 से नंबर बढ़ेगा ही। वो हमारा तरीका है OMR 100% OMR एंसरिंग टेक्निक। इसको हम मैथ के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हम निकाल के लाए हैं और वहाँ पे स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, हमारा भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और हम अपनी तैयारी के से ज़्यादा नंबर ला पाते थे वहाँ पे। ये रही एक और तरीका है आपका टाइम मैनेजमेंट का, तो ये दोनों पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, तो नहीं भी करिएगा तब भी हम बनाएंगे, ये सिर्फ बोलने की होती है। तो देखिए, इस तरह का कंप्यूटर का जो पेज होता है, कंप्यूटर आपको रंगना होता है और यहाँ पे तो कितना रंगना चाहिए, तो 100 में 100 रंगना चाहिए, लेकिन आप हमारे तरीके को जानिएगा, उसके बाद ही रंगेगा 100, नहीं तो फिर आपका निगेटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। वो टॉपिक देखिए, परीक्षा से पहले और परीक्षा हॉल में खुद को कैसे तैयार करें। अब जैसे कि अब हमारी अब ज़रा सोचिए ना कि अब पढ़ करके उठे, टेंशन इतना ज़्यादा था ना कि बहुत बार ऐसा स्टूडेंट होता है कि एग्ज़ाम डेट जैसे ही आते हैं ना तो स्टूडेंट लोग सोचते हैं यार पता नहीं यार टेंशन, खाना पीना छोड़ देता है, ऐसा लगा जैसे उसकी शादी होने वाली है, यार 10 तारीख को शादी, आज 1 तारीख है, खाना पीना चल छोड़ दो, पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी। तो उस तरह की चीज़ कुछ नहीं, पता नहीं एग्ज़ाम कैसे होगा नहीं होगा, उस सब का टेंशन छोड़ दो। आपने जो मैथ पढ़ा है, जो रीजनिंग पढ़ा है, जो साइंस पढ़ा है, जो GS पढ़ा है, जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन मंगल ग्रह पर से नहीं आएंगे, अगर मंगल ग्रह पर से भी आएंगे भी ना तो आपको मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन, साइंस का जो रूल है ना, पूरा ऑल ओवर ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है, जितने भी तारे हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी ब्लैक होल है, सब जगह पे सेम ही लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो भी साइंस पढ़ें वही टॉपिक में सही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, तो आपको टॉपिक कुछ इस तरह से कवर करना है कि क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के दे हम बना सके। तो यहाँ पे देखिए, इस बच्चे को कोई भी एग्जाम से पहले क्या इस तरह से जाता है, इस तरह से बिल्कुल मतलब सीना ताने हुए, हाँ आओ हम रेडी है, बिल्कुल एग्जाम के लिए हम बिल्कुल रेडी है, हम ग्रुप डी पेपर के लिए रेडी नहीं है, हम मैथ रीजनिंग साइंस GS करंट अफेयर्स के लिए रेडी है, हम उसमें अच्छा तैयारी किए, हम इस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ग्रुप डी पेपर है,
इसका टेंशन नहीं आने देंगे। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है स्टूडेंट को कि क्या वो जब जाता है परीक्षा सेंटर में, देखता है यार हमारे उम्र तो 18 साल है, 20 साल है, और हमसे कई ज़्यादा साल के बच्चे यहाँ पे आए एग्जाम में, 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल, एक से एक डिग्री वाले स्टूडेंट है, बीटेक डिग्री, एमटेक डिग्री, आईआईटी से इंजीनियर बना हुआ है, डिप्लोमा किया, हम तो सिर्फ मैट्रिक पास आए हैं, यार मेरा होगा या फिर उसका होगा, उसी का हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। तो हमारे जितने भी तैयारी था सब हम भूल जाते हैं। और तीसरी जो चीज़ जो स्टूडेंट को डिस्टर्ब करती है, जब आप जाइए किसी एग्ज़ाम में देने के लिए, देखिए रेलवे स्टेशन पे इधर उधर बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल भरे पड़े मिलेंगे, उसमें से कोई मोबाइल का लाइट जला के पढ़ता रहेगा, कोई मोमबत्ती जला के पढ़ता रहेगा, कोई आपस में डिस्कशन करता रहेगा, कोई मैथ बनाता रहेगा, और आप क्या करते रहेंगे, कान में मोबाइल का लीड लगा करके गाना सुनते होंगे, फिल्म देखते होंगे, फिर अपने बाबू सोना से बात करते होंगे। तो वो सब चीज़ें जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब करता है कि यार एग्ज़ाम टाइम में ये सब पढ़ लगता है, ये सब बहुत पढ़ाई किया है तभी यहाँ भी पढ़ रहा है, हमको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे, हमारे क्वेश्चन बनाने पे। हाँ, जब आप एग्ज़ाम टाइम के जस्ट 24 घंटे के अंदर आप लोग कुछ भी पढ़ाई करते हैं, एक या दो नंबर आपको एक्स्ट्रा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आप नहीं जाने थे वो आप जान जाइएगा, लेकिन आप पुराना जो पढ़े हुए हैं उसका 4 से 5 क्वेश्चन आप भूल जाइएगा। हमारे परम पूजनीय चाचा जी जो कि लोको पायलट हैं छपरा डिवीज़न में, उन्होंने कहा था कि पुराना जो पढ़ा हुआ है ना आपका, वही आपका एग्ज़ाम में काम करता है, और बात यही सच है। आपको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, करंट अफेयर्स का 2-4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो अलग बात है, या फिर किसी से कुछ बात कर सकते वो अलग बात है, लेकिन जो तो उसको उस स्टूडेंट को देख कर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ दिखावटी के लिए पढ़ रहा है, देख रहा सामने 2-4 लड़कियां हैं, चलो पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसी बारे थोड़ी बहुत बातें हो जाएगी, कम से कम नज़र तो नज़र मिल ही जाएगी ना, कम से कम वो नोटिस तो करेगी ना, यार सभी लड़का इधर से देख कर कान में लीड ला कर घूम रहा है, ये बंदा पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है, क्या पता चांस मिल जाए ट्रेन वगैरह में, अलग बात है। चलिए ठीक है, तो परीक्षा से पहले और परीक्षा हॉल में खुद को कैसे तैयार रखें। परीक्षा हॉल के अंदर में आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं लाना कि ग्रुप डी का पेपर आने लेने आए हैं, या फिर आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं लेना अपने आप में कि यार एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे मम्मी पापा लात मार के निकाल देंगे घर से, ऐसा कुछ नहीं। आप ये सोचिए हम मैथ रीजनिंग साइंस जी के करंट अफेयर्स हम पढ़ के आए हैं, जो हम पढ़े हैं वही टॉपिक में से क्वेश्चन है, बस आप पूरा का पूरा ध्यान लगा दीजिए उस क्वेश्चन पर, फोकस कर लीजिए उस प्रश्न पत्र पर। आप फोकस कभी मत करिए कि रेलवे का परीक्षा देना है, या फिर आप कभी ऐसा फोकस मत कि हमारे साथ करोड़ों स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, या फिर कभी आप इस बात पर ध्यान न मत दीजिए कि सामने वाला लड़का ये इतना बना रहा है उतना बना रहा है, या फिर हम इतने सारे स्टूडेंट के भीड़ में हैं, मेरा होगा या फिर नहीं होगा, होना नहीं होगा वो बाद की बात है, फिलहाल आप उस पेपर को तो दे लीजिए। तो यही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखना है मुझसे डायरेक्टली, तो आप मुझसे पढ़ने के लिए डायरेक्टली आ सकते हैं, आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करिए, हम आपको बिल्कुल ट्रेनिंग दिलाएंगे, और आपको आपके एग्ज़ाम में चाहे 1 महीना का समय बचा हुआ, चाहे 2 महीना का, या फिर चाहे 3 महीना का, अगर आज के डेट से एग्ज़ाम शुरू होते थे, एग्ज़ाम 4 महीने तक चलेगी, तो आप इस बीच में भी आप हमारे यहाँ से आ सकते हैं पढ़ने के लिए, हम आपको जो डायरेक्टली पढ़ाएंगे आपको बस 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, आप हमसे पढ़ के 4 से 5 चैप्टर को एक दिन में बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे बना रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करिए, अगर आपके पास हमारे हॉस्टल पे आने का सब मतलब कि साधन नहीं है तो फिर आप हमारे मास्टर नोट्स को मंगवा लीजिए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये रहा हमारे बारे में भाई अभिषेक सर, बताना नहीं चाहिए लेकिन आप लोग जान जाइए, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है और लोको पायलट बने थे RRB मुजफ्फरपुर में, उसके बाद से हमारे पढ़ाने का जो मतलब कि 2014 से हम पढ़ाना शुरू किए स्टूडेंट को, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और हमने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडेंस दिए जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सेलेक्ट हुए, पास हुए, और मास्टर नोट्स का लिखा मैंने बुक, जो कि मैंने बहुत सारे बुक को देखा मार्केट का, कोई भी ऐसा बुक नहीं जो कि स्टूडेंट के अंदर में कॉन्फिडेंस दे सके कि 2 महीना मुझको पढ़ लो और रिजल्ट लेके जाओ, लेकिन हम इस मास्टर नोट्स को बोल सकते हैं कि इसमें से आपका 90% तक जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल टच करेगा, बस आप इस मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए, बिल्कुल पतली सी किताब है, उस किताब को पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट की हो जाएगी तैयारी। और आपने अभी तक कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, फिर ज्वाइन किए हैं आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं बना पाते मैथ रीजनिंग ये सब चीज़ें, तो आप 100% सब्जेक्ट का आप वीडियो कोचिंग ले सकते हैं, हम आपको इसमें एक एप्लीकेशन देंगे, आप उस एप्लीकेशन को जब चाहे तब देख सकते हैं, और हम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत बार
आप लाइव आते हैं और आपके सवालों का देते हैं जवाब। और आपको मतलब देखिए, तैयारी से ज़्यादा तैयारी इम्पोर्टेंट ही नहीं है, 50% इम्पोर्टेंट तैयारी है और 50% इम्पोर्टेंट आपका गाइडेंस है। हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। हमने अपने आसपास के स्टूडेंट में क्या देखा कि उसका जब नौकरी हो जाता था, फिर वो जाता था नौकरी में, फिर उसके पास अपना समय ही नहीं बचता था कि वो अपने जूनियर स्टूडेंट का ध्यान दे या फिर उसके साथ जो स्टूडेंट पढ़ते थे उसको भी थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह दे दे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने को पायलट को एग्ज़ाम को पास किया 2014 में, 2018 में, और हमारे पास जितने सारे नॉलेज आए, एक्सपीरियंस आए, इसको हमने आप लोगों में बांटना शुरू किया। यूट्यूब के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग के माध्यम से, हमारे डायरेक्ट कोचिंग हॉस्टल के माध्यम से, और हमसे जो भी स्टूडेंट मिलते हैं, जो भी बात करते हैं, हम उनको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट हो, चाहे एग्ज़ाम पेपर को लेकर, चाहे वेरिफिकेशन को लेकर, चाहे मेडिकल को लेकर, चाहे किसी भी तरह कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है और हमारा जो नंबर आपको दिख रहा होगा ना, ये इस तरह से है, 8406 क्या है 891116, ये हमारा नंबर है। आप सबसे पहले इस नंबर को अपने बस डायल करके हमारे पास मत आइए, इस नंबर को पहले अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अभिषेक सर नाम से, अभिषेक लोको पायलट नाम से, या अभिषेक कोचिंग नाम से, आपको जो नाम आपको मेरा रखना है रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस नंबर को पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई ज़रूरी तो आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा। जब आप फ़ोन करें तो हम फ़ोन नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो बना रहे होंगे या फिर हॉस्टल में पढ़ा रहे होंगे। जब हमको टाइम मिलेगा तो आपके नंबर पर हम खुद इधर से कॉल बैक करेंगे। और फिर जब आप देखिए अनजान नंबर है, तो आप हो सकता है हमें पहचानने से इनकार कर दीजिएगा। जब वहाँ पर नंबर सेव रहेगा तो आपको पता रहे कि कौन फ़ोन कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी हमारे बीच में जो एक बात करने का जो मौका मिलता है, वो आप एक बार में बात हो जाएगी। वैसे कोई भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट करना ना भूले, आपको अगला टॉपिक कौन से चीज़ पे चाहिए। वैसे अगला टॉपिक तो बिल्कुल डिक्लेयर है, आपको NTPC के ऊपर आएगी, दोनों चीज़ को कवर करेंगे, CBT 1 को भी, CBT 2 को। और इसके अलावा हम इस मतलब इस YouTube चैनल पे हम सभी टॉपिक का लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप उस सबको भी बिल्कुल देखते रहिए। और हमारा जो मकसद है कि बिल्कुल कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करवा दें। YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि चल रहे हैं और वो समय बहुत ज़्यादा लेते हैं स्टूडेंट का, और तैयारी उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है और आपको इस बहुत कम समय में आपको तैयारी करनी है, तो आपके साथ हम बिल्कुल हैं। आपको नौकरी 100% आपको दिला देंगे, कहीं से कोई दिक्कत, हम आपको पढ़ाई करवा देंगे, जितना गाइडेंस होता है उतना गाइडेंस देंगे, जितना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर में उतना कॉन्फिडेंस लीजिए और आप रिजल्ट लेके आइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें।